जम्मू की बात करें तो जम्मू में आज तक इन पार्टियों ने सिरे से नकारा है ट्रांसजेंडर जी। आपको ऐसा क्या अच्छा लगा आम आदमी पार्टी ने कि जिस कारण आपने जो है आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया? ये आम लोगों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, हर वर्ग की पार्टी है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, ये सबकी मिक्स पार्टी है। जरूर मेरा विश्वास है आम आदमी पार्टी ट्रांसजेंडर के साथ है। देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन, मैं हूँ आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की लहर लगातार बढ़ती जा रही है और ये कहें कि इस वक्त लगातार जो है वो ज्वाइनिंग जो है वो आम आदमी पार्टी में लगातार हो रही है, जिसमें पहले जो है वो पैंथर्स पार्टी के लीडर जो कि बलवंत सिंह मनकोटिया जो कि एक्स एमएलए भी हैं, उन्होंने जो है वो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, उनके साथ साथ जसपाल कुंडल जी ने। उसके बाद अब की बात करें तो हर्षदीप सिंह जो कि 18 साल एमएलए रह चुके हैं और इसी के साथ एजुकेशन मिनिस्टर भी जो है वो रह चुके हैं और आज उन्होंने जो है वो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करके जो है वो जम्मू में पहुंच रहे हैं। इन सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम मुद्दों को लेकर रुबीना जी हमारे साथ है। रुबीना जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को वाहिद शायद इतिहास में जम्मू कश्मीर में जब आपको भी जो है पार्टी में कहीं ना कहीं आने का मौका मिला? मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगी, मुल्क की तो बात नहीं कर सकती हूँ। आप देखिए दिल्ली में बहुत ट्रांसजेंडर ऐसे हैं जो बड़े बड़े ओहदों पे हैं, जो कैबिनेट मंत्री भी हैं, इसी बीजेपी गवर्नमेंट में ही हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं। मैं यूपी में देखें हमारी एक है वो कैबिनेट मंत्री हैं। जम्मू की बात करें तो जम्मू में आज तक इन पार्टियों ने सिरे से नकारा है ट्रांसजेंडर को, जो आज तक ट्रांसजेंडर्स को इग्नोर करते रहे जी बहुत। लेकिन बीजेपी के चीफ जम्मू कश्मीर से रविंदर राणा जी जो कहते हैं कि हम सबको एक नजर से देखते हैं, हम सबको हक और इंसाफ दिलाने की कोशिश करें, मुझे तो कहीं किसी प्लेटफॉर्म में वो मिले नहीं आज तक, मुझे तो लगा नहीं उन्होंने हमें सुना होगा या बुलाया होगा या हमारे से कोई बात करी होगी भी आप लोग परेशान है, आप लोगों को भी देखा जाए सुना जाए। रविंदर जी, आपको ऐसा क्या अच्छा लगा आम आदमी पार्टी ने कि जिस कारण आपने जो है आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया? ये आम लोगों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, हर वर्ग की पार्टी है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, ये सबकी मिक्स पार्टी है। आप क्या चाहते हैं कि किस तरह से जने की जिस तरह से बाकी पार्टीज ने जो है वो नाइंसाफी आपके साथ की है, तो आप आम आदमी पार्टी से क्या उम्मीदें हैं? हम तो ये चाहते हैं आम आदमी पार्टी आती है तो लोगों का खूब विकास होगा। जो हॉस्पिटल की आप फैसिलिटी देख सकते हैं यहाँ पर तो बिल्कुल ही ख़त्म है। स्कूलों के देखें हालत, टूटे हैं स्कूल, बड़ी बुरी हालत है। पानी की हालत देखें तो आए दिन लोग रोडों पे हैं, बिजली की तो देखें आप वो भी रोडों पे हैं। मतलब आपको कहीं से मुझे नहीं लग रहा जम्मू का कोई सुधार हुआ है और जम्मू का कहीं भला हुआ है। बिना जी, आज तक ये मिसाल सब कुछ आपके सामने है, पूरी जनता के सामने है कि किसी भी पार्टी ने जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में जरा भी जो है वो ध्यान देने की जहमत जो है वो नहीं की है, तो अब क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को हक और उनका इंसाफ जो है वो दिलाएगी? जरूर मेरा विश्वास है आम आदमी पार्टी ट्रांसजेंडर के साथ है। काफी सारे ट्रांसजेंडर जो है कुछ अच्छा यानी कि पढ़ लिख कर जो है वो अच्छा बनना चाहते हैं लेकिन उनको जो है वो हमेशा इग्नोर कर, सरकार तो करती है लेकिन गवर्नमेंट भी इग्नोर करती है। पार्टी सत्ता में आती है तो उन ट्रांसजेंडरों के साथ इंसाफ होगा। तो मैडम क्या कहेंगे इस तरह से अब लगातार जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की लहर बढ़ रही है, तो क्या मतलब आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी जो है वो यानी कि सरकार बना सकती है? क्यों नहीं बनाएगी, आप देखेंगे बहुत अच्छी तरह से सरकार बनेगी, फुल बहुमत से बनेगी। महंगाई को लेकर क्या कहें? महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई तो हम हर कोई परेशान है, हम भी परेशान है महंगाई को लेकर। ट्रांसजेंडर्स के लिए किस तरह के कदम उठाने चाहिए सरकार को ताकि उनके उनको जो है वो हक जो जिससे काफी देर से महरूम है वो उन्हें मिल सके? देखें जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी देनी चाहिए, जो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाना चाहिए, जहाँ जिस जिसको जो कमी है वो पूरी करनी चाहिए। ये नहीं ट्रांसजेंडर को, आम पब्लिक को भी देखना चाहिए, आम लोगों को भी देखना चाहिए, हर किसी को लेके साथ चलने वाली पार्टी है ये। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रुबीना जी आपका हमारे साथ बात करने के लिए। तो देख सकते हैं कि अब जो है वो इस कम्युनिटी को भी काफी उम्मीदें हैं कि शायद आम आदमी पार्टी ही वाहिद एक ऐसी पार्टी होगी जो इस कौम के बारे में सोचेगी और इनके साथ भी हक और इंसाफ की जने की इन्हें जो है वो दिलाएगी, जिससे आज तक सभी पार्टियों ने इन्हें जो है वो इस हक से जो है महरूम रखा। आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।